हेलो गाइस, टू आर कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज के हमारे वीडियो कुछ ज़्यादा ही कमाल के होने वाले हैं, क्योंकि गाइस आज की साले वीडियो के अंदर मैं आपको आपके पिक्सेल लैब ऐप का यूज़ कर आपको कुछ इस टाइप की लोगो क्रिएट करना सिखाने वाला हूँ। आपके पहले भाई बता चुका हूँ, पिक्सेल लैब ऐप से फुल एंड्रॉयड में भाई कोई भी वो कंप्यूटर का यूज़ नहीं है, आपको फुल एंड्रॉयड में बनाना सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को भाई एंड तक ज़रूर वॉच करना, और जो भी चैनल में फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इसी तरह के एडिटिंग से रिलेटेड एंड्रॉयड मतलब कि जो भी मोबाइल में एडिटिंग होती है उसके वीडियो डेली बेसिस पर मिल सके। बाकी अगर इस वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं, तो गाइस सबसे पहले आपको अपना पिक्सेल लैब ऐप ओपन कर देना होगा। तो इनकी ऐप ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक साइज इंक्रीज करनी होगी इसकी। अब सोच रहे हैं भाई साइज इंक्रीज हम किस टाइप से कर सकते हैं, तो साइज इंक्रीज करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको यहाँ पर से फोर्थ वाला आइकन क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर जो आप देख सकते हो थोड़ी बहुत आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। तो जैसे आप क्लिक कर लो तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर आइकॉन्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पहला है कलर, दूसरा ट्रांसमीटर, तीसरा है इमेज साइज। सिंपल जिसमें क्लिक कर देना होगा, तो एंड की क्लिक करने बाद आपको इस कस्टम वाला आइकन क्लिक कर देना होगा। तो एंड की जैसे आप क्लिक कर ले तो यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा साइजेस देखने को मिल जाएगी, जिसमें से एक आपको एक यूट्यूब थंबनेल की साइज देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल से सिलेक्ट कर यहाँ पर आपको इस ओके वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो एंड की जैसे आप क्लिक कर ले तो यहाँ से आपकी जो साइज है प्रॉपर इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी हमारे लोगो बनाने के लिए एकदम परफेक्ट साइज है भाई साहब। तो अब आपको क्या करना होगा, इस न्यू टेक्स्ट को जल्दी जल्दी में डबल क्लिक कर देना होगा। तो एंड जैसे आप डबल क्लिक कर लो तो यहाँ से आपका जो कीबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। अभी आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, न्यू टेक्स्ट को यहाँ पर आपको इरेज करना होगा, मिटा देना होगा यहाँ पर। तो मिटा देने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर आपको कुछ भी टाइप कर देना होगा जो आप मतलब के टाइप करना चाहते हो। यहाँ पर सिंपल से मैंने हंटर टाइप कर लिया हूँ, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। फिर डन में क्लिक कर ओके में क्लिक कर देना है। ऐसी बात नहीं है भाई आपको अभी हंटर ही टाइप करना है, आप भी कुछ मतलब के और कुछ नहीं करना भाई, ऐसी बात नहीं है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, वो दिक्कत वाली बात इतनी नहीं होती। तो देंगे जितना करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, सिंपल से इस ए वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो एंड की क्लिक करने के बाद थोड़ा बहुत स्ट्रेप से आपको नीचे आ जाना होगा। तो ऐसे नहीं मतलब आपको इस ए बी यानी कि फॉन्ट वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो एंड की जैसे आप क्लिक कर ले तो यहाँ से आपका जो बहुत ही ज़्यादा फॉन्ट है, बहुत ही ज़्यादा, हाँ यार बहुत ही ज़्यादा, इतनी भाई कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तो फॉन्ट मतलब के ओपन देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल से अभी आपको क्या करना होगा, इस पर आपको एक फॉन्ट लगा देना होगा, जिस फॉन्ट का नाम है मैं आपको सिलेक्ट कर दिखा लेता हूँ उस फॉन्ट का नाम क्या है। तो भाई आपको क्या करना होगा, ये बोल ग्लो रेगुलर फॉन्ट लगा देना होगा। भाई नाम है इसका कितना अजीब है, तो ये लगा देना होगा, ये आपको अपने पिक्सेल ऐप में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। सिंपल से आपको ओके में क्लिक कर देना होगा। ओके में क्लिक करने के बाद थोड़ी बहुत साइज इसकी इंक्रीज कर यहाँ पर आपको इसको सेट कर देना होगा। तो सेट करने के बाद थोड़ा बहुत स्टेप से आपको नीचे आ जाना होगा। तो आ जाने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर आ जाना होगा मतलब कि एक्चुअली। तो सिंपल आपको इस कलर वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने मतलब आपको क्या करना होगा, ये वाला कलर आपको सिलेक्ट कर देना होगा। इसका मुझको नाम तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो प्लीज़ यार कमेंट में जाकर जरूर बताना। और बाय द वे मतलब यही आपको सिलेक्ट कर देना होगा कलर। तो सिंपल आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। तो राइट में क्लिक करने के बाद स्टेप से थोड़ा बहुत नीचे आकर इसे स्ट्रोक वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। इनमेल को यहाँ पर ओपन कर देना होगा। स्ट्रोक मतलब स्ट्रोक का जो कलर है वो यहाँ पर आपको सिंपल से वाइट सिलेक्ट कर देना होगा, बिल्कुल सही। तो सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, इसकी जो स्ट्रोक वेट्स थे वो आपको कुछ स्टेप से बढ़ा देनी होगी, मतलब यहाँ पर आपको कर देनी होगी, अभी तो बढ़ा दो भाई 20 कर देनी होगी प्रॉपर, जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैं कर लिया हूँ। तो इतना कर देने के बाद आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। तो एंड की जैसे आप कर लेते हो, आपका जो प्रॉपर लोगो तो नहीं कहूँगा बन चुका है, हाँ बट उसकी लुक जो है एकदम आ चुकी है। तो अभी आपको क्या करना होगा, सिंपल से फोर्थ वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो एंड की क्लिक करने के बाद आपको इस कलर वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो एंड की जैसे आप इसमें क्लिक कर ले तो यहाँ पर आपको जो बहुत ही ज़्यादा कलर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो। सिंपल से यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर सेलेक्ट कर राइट में क्लिक कर देना होगा। तो एंड की जैसे आप राइट में क्लिक कर ले तो यहाँ से आपका जो बैकग्राउंड है प्रॉपर चेंज आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि और भी ज़्यादा हमारे लोगों में मस्त लुक जो है क्रिएट कर दे रहा है। तो सिंपल जब एक ए वाला आइकन में क्लिक कर स्टेप से आपको थोड़ा बहुत नीचे आ जाना होगा। तो आ जाने मतलब अभी आपको क्या करना होगी, थोड़ा बहुत और नीचे आ जाना होगा। तो आ जाने के बाद अभी आपको इसे इनर शेडो वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, इनवेल्ड को ओपन कर देना होगा। इसकी जो ब्लर रेडियंस है वो यहाँ पर आपको रेडियंस बिल्कुल सही, तो वो जो है आपको 1% कर देनी होगी। और इसकी जो ऑफ सेट एक्स है वो यहाँ पर आपको कर देनी होगी। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इतनी तो वही नहीं करनी, मैं आपको प्रॉपर बता ही दूँ ना, ऐसे आप स्क्रीन पर भी देखिएगा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, बट मैं आपको बताता भी चलूँगा कि कितनी आपको रखनी है। तो सिंपल यहाँ पर आपको 3% इसकी रख देनी होगी, और ऑफसेट वाई जो है यहाँ पर आपको कर देनी होगी यहाँ पर 2%, तो बिल्कुल सही है। तो सिंपल आपको राइट में क्लिक करके इसको यहाँ पर आपको सेट कर देना होगा। तो करने के बाद आपको इस शेडो वाला आइकन में क्लिक करके इनवेल्ड को थोड़ा बहुत ओपन करके राइट में क्लिक कर देना होगा। तो राइट में क्लिक करने के बाद थोड़ा बहुत और नीचे आकर इस 3D टेक्स्ट वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। इनवेल्ड को यहाँ पर आपको ओपन कर देना होगा, और जो थोड़ी बहुत इसकी साइज भी इंक्रीज कर देनी होगी, जैसे कि भी आप
देख सकते हो कि मैं कर लिया हूँ। तो इसकी जो डीप थे मतलब कि गहराई है यहाँ पर आपको प्रॉपर 4% कर डार्कनेस जो है वो तो भाई कुछ नहीं करने से बस राइट में क्लिक कर देना होगा। तो राइट में क्लिक करने बाद आपको इस रिफ्लेक्शन वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा, इनवेल्ट को ओपन कर देना होगा। इसकी जो रिफ्लेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ सेट है उसको आपको सिंपल से कर देना होगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अभी, तो सिंपल से आपको क्या कर देना होगा, -23% कर राइट में क्लिक करना होगा। इसकी थोड़ी बहुत साइज बढ़ाकर आप मतलब के रख सकते हो, जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैंने रख लिया हूँ। तो ऑल राइट गाइस अभी आप देख सकते हो आपका जो प्रॉपर लोगो है वो यहाँ पर बन चुका है, प्रॉपर एकदम प्रोफेशनल लोगो है। और जो हमारे वो होती है कार्टून इफेक्ट जिसे कहते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लुक भी आ चुकी है। तो हाँ बाकी आप वो आप सोच रहे हैं भाई यहाँ पर एकदम वो एरो लगाया था और लिखा था प्रोफेशनल लोगो और वहाँ पर ऊपर लिखा था कार्टून इफेक्ट, वो आप लगा सकते हो, बट मेन जो था यही है। तो बाकी गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। भाई वीडियो चलेगी तो वीडियो को भी से जाकर लाइक जरूर कर देना, और जो भी चैनल में फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय, और लाइक जरूर कर देना भाई।